एआईएमआईएम के चार विधायक टूटकर आरजेडी में आए हैं। सवाल यह है कि क्या खेल का सिलसिला यही थम गया है? यह जो बड़ा खेल तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने एआईएमआईएम के साथ किया, क्या यह खेल यहीं तक था, स्क्रिप्ट यहीं तक थी, या फिर बिहार की सियासत में और भी कई बड़े खेल होने बाकी हैं? और खासकर क्या मुहिम तेजस्वी सरकार आरजेडी की जारी रहेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी और कद्दावर युवा चेहरा मौजूद हैं, कारी सुहैब। सबसे पहले तो आज आपकी पहचान दूसरी है। अब तक जो हम आपसे बात करते रहे तो पार्टी के जो युवा विंग के आप अध्यक्ष हैं उस नाते बात करते रहे, आज पार्टी के एमएलसी हैं आप, तो आपकी पहचान में इजाफा। कारी सुहैब साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि खेल का सिलसिला जो है वो थम गया है या फिर मिशन ऑपरेशन लालटेन जारी है अभी भी? पहली बात तो हमारी पहचान युवा राजा से थी, है और आगे भी हमेशा रहेगी, क्योंकि युवा राजद के तमाम कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है उसी का नाम एमएलसी है। जी ठीक है ना, एमएलसी का नाम कारी सुहैब नहीं। जी दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा कि खेल किया, इसमें कहाँ कोई खेला की बात है। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त बिहारी ने युद्ध के, देश के युद्ध आइकॉन है, पूरे देश के युवाओं की, पूरे देश के सामाजिक न्याय के मानने वालों की, पूरे देश के इंसानियत परस्त लोगों की उम्मीद तेजस्वी यादव है। जो लोग देश में अमन शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, जो लोग बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहते हैं, जो लोग बिहार में युवाओं को रोजगारी, बेरोजगारी के केंद्र से बाहर निकालना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की उम्मीद तेजस्वी यादव की। तो इसको देखते हुए सीमांचल के लोगों ने लगातार उन एमएलएज को, उनके क्षेत्र के लोगों ने लगातार ये कहा कि भाई अब राजद के साथ जाओ, जो उनका बयान आया उन्होंने कहा। तो लोगों के कहने पर सीमांचल के लोगों की उम्मीदों को समझते हुए उसको पूरा करने के लिए उन लोगों ने एक आवेदन दिया हमारे नेता को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। उन लोगों ने आवेदन दिया, हमारी पार्टी ने उसको स्वीकार किया और वो लोग हमारे साथ आकर इस निकम्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना चाहे। आपकी तो इसमें खेल कहां गया? आपकी पार्टी अभी कहती रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की सियासत में बड़ा खेला होगा, और आपकी पार्टी ने यह भी कहा है कि लालू यादव जब बिहार में होंगे तो कोई खेल हो जाएगा, ये उसी खेल की शुरुआत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिये, हमारी पार्टी ने नहीं कहा है जी, बिहार की आवाम कह रही है जी। और कहा ही नहीं, बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया, लेकिन भाजपा ने इलेक्शन कमीशन के साथ गठबंधन करके चोरी से पिछले दरवाजे सरकार बना लिया और तीसरे नंबर के पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि राजद को रोकना था। भाजपा को पूरे देश में अगर किसी से डर है तो सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव से है। भाजपा जानती है कि भाजपा के मिसाइल दाम को तोड़ने का मानता सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव में है। तो तेजस्वी यादव से डर के, लालू यादव जी से डर के इलेक्शन कमीशन से गठबंधन किया, गठबंधन करके सरकार बना लिया। तो बिहार की जनता तो आज भी उनको मुख्यमंत्री नहीं मानती है, अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मानती है। इसलिए तेजस्वी यादव जी जल्दी से मुख्यमंत्री बने, यह हर बिहारी की आशा है, चार विधायक हर बिहारी का एक हर बिहारी की उम्मीद है, हर बिहारी की चाहत है। तो चार विधायकों को तोड़कर गरीब कैसे पूरा हो जाता है? मैंने कहा ना, आप फिर तोड़ने में जा रहे हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग भाजपा के। ठीक है, आपने चार विधायकों को जोड़ा, आपने चार विधायकों को जोड़ा अपनी पार्टी में, उससे भी आपका गणित पूरा नहीं होता। देखिए, एक बात समझिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, तोड़ने का काम सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। अगर विपक्ष में रहते हुए कोई विधायक अगर हमारे यहाँ आया है, हमारे नेता से प्रभावित होकर उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए, तो हमारे नेता का कुशल नेतृत्व जो है उसकी एक, उसके लिए एक बड़ी बात है। आज बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में तेजस्वी जी को बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी लंदन में वो स्पीच देकर के आए हैं, कैम्ब्रिज में देके आए और कई जगह। गणित कैसे पूरा? तो सवाल ये है, हम सत्ता के लिए राजनीति करते हैं,
हम जनता के आशाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जनता की सेवा, हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीति सत्ता के लिए नहीं है, सत्ता के लिए हमने तेजस्वी जी ने क्या कहा कि हम सत्ता में आ भी जाते हैं तो भाजपा ने जो जहर घोल दिया है समाज के, तो उसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस जहर को खत्म करने के लिए। अगर मुझको सत्ता की लालच होती तो तेजस्वी यादव जी जिस कम उम्र में जितने बड़े लीडर बन गए, जितना बिहार और देश में जितना इनको, जितनी इनको पहचान मिली और इनके नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है, अगर सत्ता के लोग ही होते तो 1 घंटे का काम था, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते। लेकिन सत्ता को ठोकर मारकर संघर्ष का रास्ता चुना, उसका नाम तेजस्वी यादव है। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का होगा जो सत्ता को सामने देखते हुए उसको ठोकर मारते हुए संघर्ष के रास्ते। AIMIM ने कहा है कि आपने 4 तोड़े हैं, 24 वो तोड़े हैं, आप तोड़ने पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। कहा MIM ने कहा, कौन कहा है? MIM के प्रदेश अध्यक्ष कहा है कि 24 आपके लिए जाएंगे। अख्तरुल्लाह साहब एक समझदार आदमी है और बहुत जल्द वो भी हमारे हिस्सा है, वो है ही है, हमारे हिस्सा ही है वो। अख्तरुल ईमान को भी ले आएंगे, उनकी भी चाहत होगी अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ना, फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है, अगर उनके लोगों ने उनको मैंडेट दिया, उनको MLA बनाया, इसलिए बनाया कि फिरका परस्तों के खिलाफ लड़िए, तो इस देश में दुनिया जानता है कि फिरका परस्तों के खिलाफ अगर कोई मुखर आवाज है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव तेजस्वी यादव है, दूसरा कौन है? आखिरी सवाल, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भाजपा से हाथ मिला लिया, अंदर हो या बाहर हो, अंदर से चाहे बाहर से, एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने, लालू जी ने जेल जाना पसंद किया लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया।